जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि NCR प्रयागराज अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की डिटेल्ड में जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 1697 पोस्ट आपकी निकाली गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहां पर आप लोग इस फॉर्म को 14 दिसंबर 2023 तक भर सकते हैं। इसमें SC ST एंड ऑल कैटेगरी जो अन्य बचती है फीमेल की, उनके लिए कोई फीस नहीं है। जनरल OBC EWS को 100 रुपये फीस पे करनी होगी। कौन से डिवीजन में, कौन से ट्रेड में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, वो आप यहां पर इस टेबल में जानकारी अच्छे से चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 10वीं की योग्यता और साथ ही ITI उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। एंड आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर क्लिक करके आप ये सब जानकारी डिटेल्ड में इस नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए, आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर आने के बाद में नवीन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए यहां क्लिक करें, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको गाइज बोला है कि क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर, तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको यहां पर टिक करना है एंड देन प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको जो आपका नाम है वो एंटर करना है, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपके फादर का नेम एंटर करना है, आपका आधार नंबर देना है, आपका मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड देन क्रिएट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP यहां पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि आपको यहां पर आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल चुका है, ये आपको नोट करना है और फिर क्लिक हियर टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन टू एक्सेस का इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहां पर जो आपका रजिस्टर नंबर आपको मिला है वो डालिए, जो पासवर्ड मिला है वो डालिए, सोल इक्वेशन जो भी यहां पर है वो आप यहां पर लिख दीजिए एंड देन फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। नाउ गाइस आपके सामने ये वाला इंटरफेस है, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन और यहां पर है योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। तो आप यहां पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर अब आपको कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि यहां पर ट्रेड, किस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो वो ट्रेड आपको सेलेक्ट कर लेना है। रजिस्टर नंबर, एप्लीकेंट नेम यहां पर दिया गया है। फिर आता है एंटर अप्रेंटिसशिप रजिस्टर नंबर। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर आपने apprenticeshipindia.gov, मैं आपको बताता हूं कौन सी वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं, इस वेबसाइट की। इस वेबसाइट के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, अगर आपने नहीं किया है तो यहां पर जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये ओपन करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्रेंटिसशिप इंडिया रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक, आप इस वीडियो लिंक को ओपन करने के बाद में यूट्यूब के ऊपर आकर के देख सकते हैं कि कैसे आपको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में गाइज जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा वो नंबर आपको फिर यहां पर एंटर करना है। इसके बाद में गाइज आप यहां पर देखेंगे डिवीजन, आप कौन सी डिवीजन को क्या किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि मुझे पहली प्रेफरेंस देनी है आगरा डिवीजन को, मैं यहां पर आगरा में फर्स्ट लिखूंगा। झांसी में मैं यहां पर तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूं, यहां पर मैं 3 लिखूंगा, जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखा भी रहा हूँ। पर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को मुझे सेकंड प्रेफरेंस देनी है, तो मैं यहाँ पर इसको दूसरे नंबर पर रखूँगा, फिर मैं यहाँ पर इसको 4th पर और इसको 5 पर। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इनको प्रेफरेंस देंगे एंड देन फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी कुछ और इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर मदर नेम, तो जो भी आपका माता का, आपकी माता का नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका जो पैन नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आधार नंबर आपको यहाँ पर देना है, आधार इनरोलमेंट नंबर यानी कि जब आप अपना आधार कार्ड बनवाने देते हैं तो उस वक्त आपको आधार इनरोलमेंट नंबर मिलता है। तो अगर आपने आधार नंबर भरा है फिर आपको आधार इनरोलमेंट नंबर भरने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है वही इनरोलमेंट नंबर देते, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी कि जब आप अपना आधार कार्ड बनवाने जाते तो उस वक्त आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है पर्ची के, वो एक आपको पर्ची मिलती है जिसके ऊपर आपको ये नंबर दिखाई देता है। अब यहां पर आपका जेंडर है, आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको देनी है, पहले आपको मंथ लिखना है ना कि डेट, और इसके बाद में आपका डे और फिर जो भी ईयर है वो भी आप यहां पर लिख दीजिएगा। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपका यहां पर देखेंगे माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से है, अगर हां तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है।
प्रिमिटिव ट्राइब्स विशेष पिछड़ी जनजाति अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिजिकली हैंडीकैप या अगर आप विकलांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। ईडब्ल्यूएस में आप यहाँ पर बताएंगे कि क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फीस रिलैक्सेशन जो कि छूट मिलती है एससी एसटी को, क्या आप वो चाहते हैं, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। यस करने पर यहाँ पर जो छूट मिलेगी आप देख सकते हैं, एससी को, एसटी को, विकलांग को, फीमेल को और एक्स सर्विसमैन को। आयु में छूट चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है, जो कि छूट मिलती है एससी एसटी ओबीसी को। अगर नहीं चाहते तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रीडम फाइटर है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, स्टेट यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, एंड देन फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो आपको डाल देना है, और फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर टिक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप टू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, मैंने ये जानकारी पहले से फिल कर ली ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि कहाँ पर आपको क्या भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एट में यहाँ पर आपको आपका पासिंग ईयर बताना है, तो जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर खुद से एंटर कर देंगे। फिर आते बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो गाइज बेसिकली आप सब जानते हैं कि आठवीं का कोई स्पेसिफिक ऐसा बोर्ड नहीं होता है, ये आप सिंपली स्कूल कॉलेज से करते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे विकल्प में आपको बोर्ड के नाम दिए गए और कहीं पर कोई अदर का ऑप्शन भी नहीं है कि आप अदर सेलेक्ट करके खुद से अपने स्कूल का नाम लिख दे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ऐसे में जहां से आपने आपकी दसवीं की थी वही आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैंने अपनी दसवीं यूपी बोर्ड से की थी तो मैं यहां पर यूपी बोर्ड ही सेलेक्ट करूंगा। तो इसी प्रकार से आपको भी आपका जहां से आपने दसवीं की है वही बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। एंड फिर स्ट्रीम में आप जनरल रहने देंगे, सब्जेक्ट्स के अंदर आठवीं के अंदर जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहां पर लिख देंगे। ऑब्टेंड मार्क्स, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर लिखेंगे, और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिख देंगे। अगर आपने सीबीएसई से किए जो कि बेसिकली दसवीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है तो आप यहां पर सीजीपीए लिखेंगे। परसेंटेज आपकी क्या थी वो आप यहां पर लिखेंगे, और डिवीजन यानी कि अगर आपकी 60 प्लस परसेंटेज है तो फर्स्ट होगी, एंड अगर आपकी परसेंटेज 45 से लेकर के 59 के बीच में है तो सेकंड, और 33 से लेकर के 45 के बीच में है तो आप थर्ड डिवीजन में आएंगे। सेम वे में अब आपको आपकी दसवीं की जानकारी भरनी है, पहले आप यहां पर आपका पासिंग ईयर लिखेंगे, आपने जिस बोर्ड से दसवीं की है वो लिखेंगे, स्ट्रीम में जनरल सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट आपके पास दसवीं के अंदर जो जो थे वो आप यहां पर लिखेंगे, कितने नंबर आए थे वो आप मार्क्स ऑब्टेंड में लिखेंगे, और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे, परसेंटेज लिख देंगे और अपनी डिवीजन भी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने बारहवीं भी की है तो सेम वे में आप बारहवीं की जानकारी भर देंगे जैसे कि आपने अभी आठवीं और दसवीं की भरी है। फिर आता है आपके सामने यहां पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो आपके सामने आईटीआई फॉर्म, आपने आईटीआई कहां से की है आप यहां पर उसका नाम एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर सहारनपुर से किया, मैं यहां पर सहारनपुर लिखता हूं, किस साल के अंदर पास किया वो आप यहां पर लिखेंगे, बोर्ड एजुकेशनल अथॉरिटी के अंदर आप बताएंगे कि आपने कहां से किया है। बेसिकली बोर्ड के लिए अलग से विकल्प दिया गया है तो आप दोनों में बोर्ड ही नहीं लिखेंगे, आप यहां पर लिख दीजिए जहां से आपने किया है। बेसिकली आपको आपकी इंस्टीट्यूट का नाम यहां पर इसमें लिखना है जहां से आपने आपकी आईटीआई की है, और फिर किस बोर्ड से की है एनसीवीटी एससीवीटी वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। ट्रेड आपको ऑटोमेटिकली दिया गया है, और अब आपको आपके मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेंड मार्क्स लिखने हैं, और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे, यानी कि पहले ऑब्टेंड, फिर आपके टोटल नंबर, एंड देन फिर आपकी परसेंटेज, और फिर आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप थ्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपके सामने फोटो डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है, अब आपको यहां पर आपका कलर फोटो अपलोड करना है। बोला है फोटो का बैकग्राउंड प्लेन एक कलर में होना आवश्यक है, फोटो सामने से बिना टोपी और चश्मे की होनी चाहिए। तो यहां पर फोटो का साइज 10 से 100 KB के बीच में है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहां पर अभी इस फॉर्म को डेमो के लिए बनाऊं तो एक यहां पर मैं फाइल सेलेक्ट करता हूं, इसको ओपन करता हूं, तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहां पर अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करके इस फोटो को अपलोड कर देंगे, एंड देन यहां पर आपकी जो सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सेलेक्ट करना है, और यहां से ओपन करके इसको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। अब आता है आपका यहां पर 8 क्लास का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो भी है वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। इसका जो साइज फॉर्मेट है वो जेपीजी का
ही रखा गया है। फिर आप यहाँ पर टेंथ की मार्कशीट अपलोड करेंगे जिसमें कि आप अंक सूची आपको अपलोड करनी है। अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। आई टी आई की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे। जो आई टी आई का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप विकलांग है तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। एक्सर्विसमैन है तो वो अपलोड करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट को ही देना होगा। इसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप देंगे, जिसमें कि आप हाई स्कूल की मार्कशीट भी दे सकते हैं जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई हो। ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट टू स्टेप फोर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर मेरे सामने एक एरर आ गया है जो कि एक्सेस डिनाइड, जिसमें कि बोला एक्सेस टू द रिक्वेस्टेड पेज हैज बीन डिनाइड। तो यहाँ पर कुछ मुझे लगता है कि टेक्निकल एरर है वेबसाइट का, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बट इसके बाद में कोई ऐसा इंटरफेस बचा नहीं है, इसके बाद में आप डायरेक्टली अपने फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे, क्योंकि एस सी एस टी के लिए कोई फीस नहीं है। एंड जो कैटेगरी कैंडिडेट जनरल ओबीसी इस फॉर्म को भर रहे हैं वो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। अगर आपके सामने ये एरर आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि फिर इसके बारे में मैं आपको कोई सोल्यूशन बता पाऊँ। अगर नहीं आ रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद में आप सिंपली अपने फॉर्म को प्रीव्यू करके आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट लेंगे। और कोई अगर इसके अलावा प्रॉब्लम आती है आपके सामने तो वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एंड मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आगे नहीं इस फॉर्म को दिखा पाया, क्योंकि मुझे ये जो एरर है वो देखने को मिला। एंड बस यही थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।